गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड थर्ड, आई एम योर इंग्लिश टीचर खुशी दादीज एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विद वीक 10 डे 1. ओके, पंचुएट द सेंटेंस. टुडे यू हैव टू पंचुएट द सेंटेंस. सुधा सैट क्वाइटली बिलो द टेबल हाइडिंग व्हेन शी प्लेड हाइड एंड सीक. जब वो हाइड एंड सीक खेल रही थी तब वो चुपचाप धीरे से टेबल के नीचे बैठ गई खुद को छुपाने के लिए. तो सुधा का एस कैपिटल एंड एट लास्ट यू हैव टू गिव अ फुल स्टॉप. ओके, इन दिस वे वी हैव डन द पंक्चुएशन. नाउ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन सुधा इज प्रॉपर नाउन पी. ठीक है, टेबल कॉमन नाउन. ठीक है, हाइड एंड सीक is a game. It is also common noun. Article the is used here. Collective noun, no collective noun. Adverb is ly wala word quietly. And verb यहाँ पे use हुआ है sat. ठीक है, first verb आपका search कर ली है. Sat भी है और एक played भी है. ठीक है, now here टेंस. आपको टेंस बताना है. टेंस कौन सा है? सैट हो गया तो पास्ट टेंस. एडजेक्टिव, एनी एडजेक्टिव हैज बीन यूज्ड हियर? नो. प्रोनाउन शी, प्रीपोजिशन बिलो द टेबल, कंजंक्शन एंड. ठीक है, चेंज द प्रॉपर नाउन टू पर्स इन टू अ पर्सनल प्रोनाउन. प्रॉपर नाउन क्या है? व्हाट? सुधा. सुधा के लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे? शी. ओके, एडजेक्टिव टेबल. आई विल राइट बिग टेबल. ठीक है, एडजेक्टिव. कनेक्ट प्रोनाउन टू द नाउन इट स्टैंड फॉर. प्रोनाउन क्या दिया है? प्रोनाउन इज शी. शी किसके लिए यूज हुआ है? सुधा के लिए. ओके, सेंटेंस टू क्वेश्चन. क्वेश्चन में चेंज करना है फोर्थ क्वेश्चन. अब यहाँ पे सैट है तो सैट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू फॉर व्हाट? पास्ट टेंस. आपको डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है. डिड शी सैट का क्या हो जाएगा? सिट. क्वाइटली, देखो यहाँ पे चेंज हुआ है. डिड पास्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी. शी सेट क्वाइटली बिलो द टेबल. टेबल ठीक है. व्हेन शी प्लेड पूरा एज इट इज आएगा. Hide and seek. ठीक है, लास्ट तक क्वाइट क्लियर. ड्रॉ लाइन फ्रॉम एडवर्ब टू दी वर्ब डिस्क्राइब. फाइव क्वेश्चन. एडवर्ब. एडवर्ब क्या है? क्वाइटली. क्वाइटली क्या किया उसने? वर्ब क्या किया? सिट. क्वाइटली सैट. ठीक है, पिक आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यू विल राइट इन द सेंटेंस हियर ओनली. ओके, सो प्रेडिकेट आई टोल्ड यू फाइंड द हेल्पिंग वर्ब और वर्ब. यहाँ पे वर्ब इज सैट तो यहां से लेके एंड तक क्या है? प्रेडिकेट. एंड सुधा इज सब्जेक्ट. ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 6. ठीक है, नाउ इज द आईएनजी वर्ड. आईएनजी वर्ड क्या है यहाँ पे? 7. Is the ing word a verb? Sat quietly below the table hiding. Not a verb. Name an action. क्या कर रहा है वो? Action बता रही है. अपने आप को छुपा रही है तो action show कर रही है ना. तो नेम एन एक्शन. ओके, सो इन दिस वे यू डू द वीक 10 डे 1. नाउ वी विल कंटिन्यू टू वीक डे 2 ऑल्सो. सो इफ यू सी वीक डे 2 मेंशन टुडे इज डेट अगेन.
इज क्लास वर्क एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पंचुएट आई टी का आई कैपिटल एट लास्ट यू हैव टू गिव अ फुल स्टॉप रीड द सेंटेंस इट वॉज हंग्री सो द फेरोशियस फेरोशियस मतलब खतरनाक ग्राउलिंग टाइगर्स वेटेड इम्पेशेंटली बिहाइंड द केज केज के पीछे इम्पेशेंटली वेट कर रहे थे टाइगर्स बहुत हंग्री थे ठीक है नाउ प्रोनाउन प्रॉपर नाउन गिवन नो कॉमन नाउन इज टाइगर कॉमन नाउन केज इज अगेन कॉमन नाउन आर्टिकल द कलेक्टिव नाउन नो एडवर्ब इम्पेशेंटली व्हाट इम्पेशेंटली वर्ब क्या है वॉज और वेटेड ओके टेंस कौन सा है पास्ट टेंस एडजेक्टिव कैसा टाइगर फेरोशियस ग्राउलिंग हंग्री प्रोनाउन प्रोनाउन बताना है प्रोनाउन क्या है यहाँ पे इट प्रीपोजिशन बिहाइंड कंजंक्शन सो ओके इन दिस वे वी हैव फिल्ड द टेबल नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन आंसर चेंज द कॉमन नाउन टू अदर कॉमन नाउन कॉमन नाउन व्हाट कॉमन नाउन हैज बीन गिवन हियर टाइगर मैं जो लायन लिख सकती हूँ इसकी जगह लायन एडजेक्टिव एडजेक्टिव दिया है फेरोशियस टाइगर हंग्री टाइगर ग्राउलिंग टाइगर डेंजर डेंजरस आई विल राइट डेंजरस ओके थर्ड क्वेश्चन है आपका कनेक्ट द प्रोनाउन टू द नाउन इट स्टैंड फॉर थर्ड का क्वेश्चन है प्रोनाउन क्या दिया है व्हाट प्रोनाउन हैज बीन यूज्ड हियर इट किसके लिए दिया है टाइगर के लिए Draw a line from adverb. Adverb क्या है यहाँ पे Impatiently. क्या नहीं कर रहा है Impatiently. क्या कर रहा है Waited. Do all the adjective in the sentence come before the noun they describe? सारे जो adjective है वो क्या noun के पहले है Yes. Pick out the subject and predicate. Now come to subject and predicate. Okay. Subject and predicate is sub. Predicate देखो हम कैसे find out करते हैं with the helping verb or verb. Helping verb was. Was से लेके end तक predicate. And it is what subject. Got it? The subject and predicate you have to find like this. Got it clearly? This is answer. Seven, no, six. It is six. Now, seventh question is the ing word. ing word kya hai yahan pe? ing word is growling. Growling. Ab growling kya hai? Adjective hai na? To ye describe kar raha hai. Not a verb. Ye verb nahi hai. Describes the action. ये describe कर रहा है noun को okay ये verb नहीं है और ये describe कर रहा है noun को eight preposition change करना है preposition is behind तो behind की जगह आप कोई और word use कर लगते हैं in front of ओके इन दिस वे यू कैन राइट नेक्स्ट भी लिख सकते हो आप इन फ्रंट ऑफ भी लिख सकते हो इन दिस वे यू डू द वर्क वीक 10 डे 3 एंड डे 4 इज योर होमवर्क ओके डे 3 एंड डे 4 इज योर होमवर्क डू इट एज प्रैक्टिस वर्क अंडरस्टैंड इट वेल एंड आई होप यू हैव जॉइन टूडे सेशन ऑफ जूम ऑनलाइन क्लास एंड यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग वॉट एवर हैज बीन टॉट ओके थैंक यू